हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सडन प्लान हो गया कि हम जा रहे हैं देहरादून, क्योंकि 31st है और मेरा बर्थडे भी आ रहा है। अगर आपको याद है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि मेरा बर्थडे कब आ रहा है। तो चलिए हम आगे ब्लॉग में मिलते हैं, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे ब्लॉग में मिलते हैं। गाइस, अभी हम नोएडा से निकले थे, ISBT पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ट्रेन की टिकट तो मिलेगी नहीं और कैब से फालतू पैसे 3000 वेस्ट हो जाएंगे। तो अभी हम मस्त ISBT से डायरेक्ट वॉल्वो या कोई भी बस लेंगे और सीधा जाएंगे ISBT देहरादून। वहां से अभी हम एक दिन देहरादून में रुकेंगे, फिर घूमेंगे, आपको आगे का प्लान्स बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं। मोदी जी डिजिटल करते रहते हैं। यहाँ पे ISBT पे ये हाल है, एक ही ATM है, वो भी काम नहीं कर रहा था। फिर अभी ISBT से 1 किलोमीटर दूर में ATM मिला, उस पर कैश फाइनली हमें मिला। तो जल्दी से चलिए, तो हम बस पकड़ते हैं। गाइस, हमें सफारी पे और ये हम चल रहे हैं, और मैं तो चप्पलों में ही आ गया हूँ। तो गाइस, कल मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी तो कुछ शूट नहीं कर पाया। तो अभी तो हम पहाड़ों पे चल रहे हैं ऐसे ही पैदल, बहुत थक गया हूँ भाई साहब, थोड़ी एनर्जी ले लेता हूँ। मेरे पास फ्रूटी पी लेते हैं। तो हम कल रात को 7 बजे पहुँच गए थे देहरादून। बस में काफ़ी टाइम लग गया, 7 घंटे के आसपास, और बस काफ़ी अनकम्फर्टेबल थी गाइस, क्या बताऊँ आपको। आप ट्रेन ही प्रेफर करें, मुझे स्पेशली चक्कर वक्कर आते हैं। तो आगे अमन भैया जा रहे हैं मस्त, अभी हम उनके साथ खलंगा तक चलेंगे ऊपर। वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो वही हम देखने गए थे। वहाँ पे काफ़ी लोग भी मरे वरे थे, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हिस्टोरिकल बनाई हुई है। तो हम बस ऐसे ही फ़न के लिए जा रहे हैं। फाइनली हम आ गए हैं खलंगा, बड़ी ऊंची चढ़ाई है, युद्ध स्मारक है ये। फर्स्ट परिवार ना लिखा हुआ है लिस्ट में, कौन कौन मरा था, कितना समय लगा। तो ये 1800 टाइम का है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का, यही है इसका। इस पे सब कुछ लिखे हुए कि अदर रैंक ऑफिसर 750, अदर रैंक 1500 ऑफिसर्स वगैरह जो मरे थे उनका। आप देख सकते हैं ऊपर जो चाकुआ रखी है उसी टाइम की है, एकदम पुरानी सी है ये, देख रहे हो। लोग यहाँ पे चढ़ के मजे कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी वक्योरिटी नहीं है, मजे कर सकते हो आके एकदम देहरादून वालों। एकदम लोग इधर जंगलों में भी जाते हैं, झाड़ियों में। तो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 11:45 और हम फुल बॉनफायर वगैरह जला के रेडी हैं, और हमें उत्तराखंड में देहरादून, और ये रहा व्यू। Oh, 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 oh,
तो फाइनली गाइज हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो हम आज आ गए हैं घूमने सहस्त्रधारा। यहाँ पे माना जाता है कि शायद धाराएँ मिलती हैं, मुझे नहीं पता, पर जगह काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं आपको घुमाने ले आया हूँ क्योंकि देहरादून में ये नीचे है, थोड़ी देहरादून से थोड़ी दूर है, बट आप मस्त रोड वगैरह हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कार बाइक सबसे आ सकते हैं। यहाँ आपको गर्मी के मौसम में मस्त नहाने वहाने का भी सब कुछ है, मंदिर भी है। और मैं आपको इसी की खूबसूरत शॉट्स दिखाता हूँ, बेस्ट शॉट्स जो कहते हैं उसे मैं अपने अकॉर्डिंग लेने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या सर है। तो गाइज वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ वगैरह बहती है, लेकिन आपको ये जो जगह है ना, यहाँ पे आपको रेनबो दिखेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स जो गिरती है ना, ओए होए होए होए, इतनी खूबसूरत है ना, आप मैं कहूँगा बस ये जिस टेम्पल के पास में ही है, आप ज़रूर आएँ तो ये ज़रूर देखें। आप देख रहे हो क्या स्मूथ पानी नीचे आ रही है, बहुत सुंदर, सारे चीज़ फीके पड़ जाते हैं इसके सामने। वैसे मैं आपको बेस्ट शॉट करके दिखाने की कोशिश किया हूँ, अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। चलिए हम आगे मिलते हैं आपको ब्लॉग में। यहाँ पर आपको सहस्त्रधारा में आपको एक गुफा भी है जिसके अंदर पानी बहती है, तो मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगा अभी। तो अभी ये ऐसे रास्ते वास्ते हैं जिधर आप घूम घूम सकते हो, बाकी नीचे नहाने वहाने के जगह हैं, बाकी आपको होटल्स वगैरह सब मिल जाएंगे। मेरे भैया ने भी यहाँ पे आपको एक होटल खोला है, तो मैं आपको अभी वो दिखाऊंगा। और यहाँ पे रोपवे वगैरह भी है ऊपर एक मंदिर वंदिर जाने के लिए। और ये गाइस वो गुफा है, तो चलिए हम गुफा के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या है। तो आपको अंदर में ना थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है मुझे, तो काफ़ी अंधेरा है, बट फिर भी मुझे लग रहा है आप थोड़े बहुत देख पा रहे होगे। तो अंदर से पानी बह रही है और ये पता नहीं पानी कहाँ से आता है, ये पानी का स्रोत किसी को नहीं पता कि यह कहाँ से आता है, पहाड़ों के ऊपर ऊपर से आता है गाइस। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं और मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। आप गर्मियों के मौसम में आएंगे गाइस, तो इधर आपको ये जो पूल टाइप बना है ये सब साफ मिलेगा, इस पर सब लोग नहाते वहाते हैं, मस्त इंजॉय करते हैं, पूल वूल सब आपको रबर ट्यूब वगैरह भी मिलते हैं। तो ये है इसका व्यू। तो आज का ब्लॉग यही था कि हम यहाँ पे घूमने आए थे 1 जनवरी के लिए, तो फिर अभी नेक्स्ट डे हम फिर कुछ और करेंगे। तो वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि डेली ब्लॉग डालूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं डेली ब्लॉग करूँ या ना करूँ। तो चलिए अभी हम भैया के होटल पे चलते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा। अगर आपको वीडियो कब पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।